आज मैं और मेरी पूरी फैमिली जाने वाली है वैष्णो देवी, जम्मू कश्मीर, कटरा। तो गाइस, पूरी फैमिली के साथ मैं जाने वाला हूँ जम्मू कश्मीर, वैष्णो देवी। 4-5 दिन का टूर है, आपको बहुत सारे ब्लॉग मिलेंगे और ब्लॉग अपलोड भी होंगे। कम से कम 3-4 ब्लॉग तो वैष्णो देवी के आएंगे आएंगे। तो चलिए तैयारी करते हैं जाने की और ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ब्लॉग बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं। तो आए जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं और अपनी पूरी फैमिली निकल चुकी है यहाँ से। तो चलिए यहाँ से ऑटो पकड़ के चलते हैं स्टेशन। स्टेशन पकड़ा। अरे पूरी। तो यहाँ रास्ते में ऑटो वाला गैस भरवाता है। और हम पहुंच चुके हैं आगरा के, जहाँ से हमारी ट्रेन है डायरेक्ट कटरा तक के लिए। तो चलिए चलते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारी ट्रेन है। तो चलिए चलते हैं आगे। वही सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम वैष्णो देवी जा रहे हैं फैमिली के साथ। ट्रेन हमारी 11:30 की है और अभी बहुत टाइम है, तो हम यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं बैठ के। तो यहाँ ट्रेन और लेट होगी, 12:30 बज चुके हैं और 1 बजे का टाइम हो गया ट्रेन का, तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। तो ये रात के 2 बज रहे हैं और यहाँ पर सभी सो रहे हैं, कोई भी नहीं जाग रहा। तो मुझे भी नींद आ रही है, क्योंकि सब थक चुके हैं। तो चलिए ये ब्लॉग कल कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो आप देखिए एक बार बाहर का नज़ारा देखिए। और अब भैया भी उठ चुके हैं, देखिए सामने ही लेटे हैं, फोन चला रहे हैं सब। तो भाई अभी तो 7 का मेरे कोई है नहीं, मैं बड़ा बोर हो रहा हूँ। फोन कितना चलाए पूरे दिन, फोन फोन, भैया भी फोन में लगे हुए हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यही हो रहा है। तो अभी तो सब बोर हो रहे हैं। तो भाई स्टेशन आने वाला है पठानकोट जंक्शन, तो थोड़ा बाहर देखेंगे क्या क्या है। तो बस आने वाला है। तो भाई ये पठानकोट जंक्शन और इसके आगे एक और स्टेशन पड़ेगा कठुआ, जहाँ से हमारी सिम बिल्कुल बंद हो जाएगी। भाई फिर तो और वो रोना है, बिल्कुल नेटवर्क गायब। तो भाई यहाँ बन गई है भेलपुरी, मम्मी ने बनाई है होममेड भेलपुरी। खा लो सब गाइस। तो गाइस हम जम्मू एंटर कर चुके हैं, जम्मू तावी रेलवे स्टेशन। इसके आगे नेक्स्ट स्टेशन है कटरा, जहाँ पे हम उतरना है। यहाँ पे ही बहुत सारे लोग उतरते हैं, यहाँ पे ट्रेन अभी रुकी हुई है। रुक जा यार। तो हमारा भी स्टेशन आने वाला है बस। तो बस सभी सामान हमने निकाल लिया है और चलिए हमारे जो स्टेशन था वो भी आ गया है। चलिए सब उतरते हैं और सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो बोलिए जय माता।
पहुंच चुके हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं आगे की साइड, होटल देखते हैं पहले। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है और सब यहाँ पर वैष्णो देवी घूमने आए और सब वैष्णो देवी पेंट्री की जगह बना के मान लीजिए। हाँ जगह जी, एक बार रेलवे स्टेशन तो देखो भाई कितना बड़ा रेलवे स्टेशन है, कितना बड़ा रेलवे। चलिए अब स्टेशन से बाहर निकलते हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखो घोड़ा तो स्टेशन देखिए कम से कम कितना गजब स्टेशन है। अरे मंदिर है, देख और असली माता वैष्णो देवी कटरा मंदिर है ना, ये बोर्ड है श्री माता वैष्णो देवी कटरा का और सामने ये पहाड़ है, ऊपर चोटी पे मंदिर है। तो इस स्टेशन से हम बाहर आ गए हैं और हम बैठ चुके हैं यहाँ पे गाड़ी में होटल के लिए। तो हम आ चुके हैं होटल में, चलिए ऊपर चलते हैं। तो ये है हमारा रूम, एक बार देखिए पूरा रूम ठीक है गाइस। 700-800 रुपये में आपको ये रूम मिल जाता है चार लोगों के लिए, और क्या चाहिए, ट्रिपल बेड है, LED TV है, सामने रखने की जगह है, कूलर है, और क्या चाहिए। और रूम से बाहर निकलते ही बालकनी है सामने, और ये बालकनी से क्या मस्त व्यू है। सामने स्टेशन है लेफ्ट साइड और इधर की साइड राइट साइड है भाई जन्नत, पहाड़ देखिए कितना मस्त व्यू है, ऊपर मंदिर देखिए भाई एक साइड कितना गजब लग रहा है। तो ये वाला हमारा होटल है, आप बाहर से भी देख लीजिए, मेन मार्केट में सरस्वती चौक पर है ये होटल। तो जब भी आप आओ तो यहाँ पे देख सकते हो। और भैया और मैं आ गए हैं बाहर कुछ खाने पीने के, भी रात के 8 ही बज रहे हैं, मम्मी पापा रूम में, तो हम यहाँ आ गए छोले कुलचे खाने। यहाँ पर अलग ही टाइप के छोले कुलचे मिलते हैं, बर्गर की तरह मिलते हैं छोले और कुलचे, अलग अलग से नहीं एक ही में मिलते हैं, अंदर बर्गर की तरह फिलिंग भर के। तो खा लो गाइस। तो मैंने तो छोले कुलचे खा लिए थे, मैं घर पे देने गया था, अब भैया वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं तो मैं भैया के पास जा रहा हूँ। तो अब चलते हैं यहाँ से थोड़ा मार्केट घूमने, चलिए ये देखिए भाई व्यू। तो भाई मार्केट घूम लिया, बहुत लेट हो गए, मम्मी का ही फोन आ गया, तो चलिए अब चलते हैं रूम में, चलिए चलते हैं। तो गुड नाइट गाइस, और ये ब्लॉग का पार्ट वन था, तो कल सुबह हम मंदिर जाएंगे तो उसका फुल ब्लॉग दिखाएंगे आपको पार्ट टू में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो चलिए बाय बाय।